नमस्कार, हेलो किड्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट लेसन नंबर 2 से नो टू प्लास्टिक ये लेसन हम समझेंगे। तो ये लेसन में क्या है, विनय और कार्तिक दो फ्रेंड हैं और वो क्लासमेट है, साथ में स्कूल जाते हैं जैसे हम लोग जाते हैं। आपको अच्छी लगती है स्कूल? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही जाते हो तो उसने देखा कि एक गाय है, वो खाना खा रही है और साथ में प्लास्टिक भी मुंह में डाल रही है। विनय ने बोला इट इज नॉट गुड टू ईट टू प्लास्टिक। तो कार्तिक ने बोला नो इजंट। ए सी नंदू थोड़े आगे गए और नंदू नाम के कोई वेजिटेबल बेचने वाला था, उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये आप लोग क्यों यहाँ पे ऐसा रखते हो। नंदू ने कहा कि भाई हम नहीं बेच रहे, हम नहीं करते हैं ये ऐसा डर्टी, लेकिन पब्लिक प्लास्टिक की बैग यूज करते हैं और ये खा जाते हैं एनिमल्स वगैरह, और देखो कितना डर्टी दिख रहा है। फिर क्या हुआ, वो दोनों बच्चे हैं ना आप जैसे, उन्होंने एक दिमाग में आइडिया सोचा। नंदू आज व्हाट शुड आई डू, नंदू ने बोला कि अब मैं क्या करूं। विनय और कार्तिक ने बोला कि प्लीज आस्क पीपल टू ब्रिंग क्लॉथ बैग, आप अपने क्लाइंट को जो है आपके पास वेजिटेबल्स लेते हैं उसको बोलो कि क्लॉथ की बैग यूज करें। सी ऑल राइट आई विल ट्राई, वेजिटेबल वाले बेचने वाले ने कहा कि ओके नो प्रॉब्लम, मैं अपने क्लाइंट को बोल दूंगा। सो नाउ देयर आर फेवर प्लास्टिक बैग्स ऑन द स्ट्रीट, बहुत ही कम हो गया, फेवर मीन्स कम, प्लास्टिक बैग यूज करना धीरे धीरे कम हो गया। Now Nandu's wife Kamini makes cloth bag and she sells them. और फिर Nandu की जो wife थे Kamini, वो भी bag बनाने लगी cloth की और बेचने लगी। And many people use cloth bag, the street is clean now. तो बहुत सारे लोग वो cloth की bag use करने लगे और वो जो हमारा मोहल्ला होता है वो बहुत ही क्लीन रहने लगा। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, तो क्लीन रखें और अपने आजू बाजू का एरिया, अपनी मोहल्ला, वो सबको हमें क्लीन रखना है। थैंक यू।